हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एजम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनवरी 2019 के मोस्ट 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सभी के लिए लेकर आया हूँ जिन्होंने भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए ये स्पेशली करंट अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का फॉर्म भरा था उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्रैक करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको करंट अफेयर पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस साल आपने भी देखा होगा, आरआरबी जे का एग्जाम हुआ तो उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आए थे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं नवंबर और दिसंबर 2018 के करंट अफेयर पूरे करा चुका हूँ। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा हो तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों, आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो चलाओगे तो ऊपर आई बटन आता है, उस पर क्लिक कर देना, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन का बटन आता है दोस्तों, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे द्वारा वीडियो डाले जाएंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप होंगे, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी ग्रुप आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो दोस्तों, जिससे जिन्होंने भी आरआरबी इंटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, आराम से करंट अफेयर की तैयारी कर सकें। दोस्तों, मैं आपको पूरे करंट अफेयर कराने वाला हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के करंट अफेयर कराऊंगा, और मैंने नवंबर, दिसंबर 2018 के करंट अफेयर करा दिए हैं। दोस्तों, एकदम दृष्टि जो महत्वपूर्ण करा दिए हैं, उसके बाद जब जुलाई, जून तक हो जाएंगे दोस्तों आपके, जून 2019 तक के आपके करंट अफेयर हो जाएंगे। वैसे मैं वापस सितंबर सितंबर के करंट अफेयर करा दूंगा, सितंबर, जून, जुलाई 2018 के करंट अफेयर करा दूंगा। दोस्तों, इस चैनल बने रहिए, आपको पूरे करंट अफेयर मिलेंगे इस पर। दोस्तों, इस वीडियो का अंत जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के 75 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा स्मृति मंदाना को। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, स्मृति मंदाना है, एक भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें हाल ही में आईसीसी की तरफ से वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सुधीर भार्गव को। इसका आंसर पहला ए आंसर का सही है, सुधीर भार्गव, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, सुधीर भार्गव है जिन्हें हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ एक चीज़ और आपको याद करनी है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? दोस्तों, है सुनील अरोड़ा, है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो सबसे मेन होते हैं दोस्तों, जो चुनाव आयोजित कराते हैं, जो चुनाव के हेड होते हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा है, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव है। श्री सिन्हा 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अर्लियर इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, लिखी गई है टोनी जोसेफ के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम, किसके द्वारा लिखी गई है? टोनी जोसेफ के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर इसका सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय क्रिकेटर साल 2018 में कुल 2735 रन बनाकर लगातार तीसरे साल एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, इसका आंसर हो जाएगा, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं दोस्तों, विराट कोहली, जो साल 2018 में कुल 2735 रन बनाकर लगातार तीसरे साल एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 2017, 2016 में क्रमशः 2818 और 2016 में 2595 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र ने चक्रवात गज से प्रभावित किस राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1146.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मेघालय, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको बताऊंगा कि हाल ही में जनवरी 2019 में तमिलनाडु में एक चक्रवात तूफान आया था जिसका नाम था गज, जिसके कारण से तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी, बहुत ज़्यादा तमिलनाडु को नुकसान हुआ था आर्थिक। इसके लिए तो चक्रवात गज से प्रभावित किस राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1146.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, तमिलनाडु को ही है।
गाजा तूफान का नाम संस्कृत के शब्द गज से बना है, जिसका मतलब होता है हाथी होता है। दोस्तों जो गज तूफान आया था ये किससे बना है, ये बना है गज, गज का मतलब होता है हाथी, संस्कृत में गज बोला जाता है हाथी को, तो इसका मतलब होता है दोस्तों गाजा तूफान आया था अभी हाल ही में तमिलनाडु में। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों हाल ही में जो गाजा तूफान आया था कौन से राज्य में आया था, तमिलनाडु में। या उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तमिलनाडु में जो तूफान आया था उसका नाम क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे उसमें गाजा भी होगा तो आपको गाजा टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 150 टेस्ट मैच जीतने वाला दुनिया का 500 देश बन गया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। भारत दुनिया का 500 देश बन गया जिसने 150 टेस्ट मैच जीत लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, तो इसका डी आंसर सही है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जिसने 817 मैच जीते हैं, 817 मैच खेले जिसमें 384 मैच जीते हैं टेस्ट मैच। इंग्लैंड दूसरी कंट्री है जिसने 364 टेस्ट मैच जीते हैं, वेस्ट इंडीज तीसरी कंट्री है जिसने 171 टेस्ट मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका फोर्थ कंट्री है जिसने 162 टेस्ट मैच जीते हैं, और भारत पाँचवें नंबर पर आ गया है जिसने 150 टेस्ट मैच जीते हैं, और छठे नंबर पर आ गया भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसने 136 टेस्ट मैच जीते हैं। तो आपको याद करना है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको 6 के 6 याद हो नीचे नाम। एक तो इंडिया कौन से नंबर पर है, इंडिया है पाँचवें नंबर पर, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज, चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका, पांचवें नंबर पर भारत और छठे नंबर पर पाकिस्तान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली किस स्थान पर रहे, तो दोस्तों इसका आंसर पहले स्थान पर, जो आईसीसी की तरफ से जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली कौन से स्थान पर है, तो वह है पहले स्थान पर। एक फुल फॉर्म बता दो तो आईसीसी होता है, आईसीसी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, आईसीसी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या होती है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी फुल फॉर्म होती है, जिसका जो मुख्यालय स्थित है वो दुबई में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज टेस्ट गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो दोस्तों ये बन गए केगिसो रबाडा दुनिया के नंबर वन टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं, जो आप तस्वीर में देख पाएंगे ये केगिसो रबाडा है, जिनका संबंध है दोस्तों साउथ अफ्रीका से, तो इनका संबंध कौन से देश से, साउथ अफ्रीका। केगिसो रबाडा फिर से दुनिया के नंबर वन एक टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है, दोस्तों इसका आंसर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 35 के तहत एक आतंकी संगठन घोषित किया है। आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर संजय शेट्टी को नियुक्त किया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जिसको नियावा शहर अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तो एक चीज और याद करनी आपको, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसका अन्य नाम नहावा सेवा भी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि नहावा सेवा किस बंदरगाह का उपनाम है, तो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का। यह कौन से तट पर स्थित है, दोस्तों अरब सागर तट पर स्थित है, मुंबई के दक्षिण में स्थित एक बंदरगाह है, तो ये कौन से सागर पर स्थित है, अरब सागर पर स्थित है और मुंबई के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, दोस्तों इसका आंसर सी प्रवीण कुमार इसका आंसर हो जाएगा, जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 2 जनवरी 2019 करंट अफेयर थे, और जनवरी 2019 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सी प्रवीण कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, दोस्तों किया गया है थोटाथिल बी राधाकृष्ण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस व्यक्ति को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, दोस्तों किया गया विनोद कुमार यादव को, तो विनोद कुमार यादव आपको याद करना है, जो आप तस्वीर में दे पा रहे हो विनोद कुमार यादव है, तो इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले दोस्तों रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो थे अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे इससे पूर्व, लेकिन अब वर्तमान में कौन है, विनोद कुमार यादव। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RRB NTPC ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम होता है, तो दोस्तों रेलवे की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर याद कर लीजिए कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव। दोस्तों इससे पहले अश्विनी लोहानी थे, अब अश्विनी लोहानी वडोदरा के अंदर जो रेलवे विश्वविद्यालय खुला है, तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है रेल की तरफ से कि रेलवे जो विश्वविद्यालय खोला गया, एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वडोदरा में स्थित है, गुजरात के अंदर वडोदरा
जिला है उसके अंदर स्थित है रेलवे विश्वविद्यालय, जहाँ पर अश्विनी लोहानी को रेलवे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा गो कल्याण श्रेष्ठ लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में गो कल्याण श्रेष्ठ लगाए जाने की घोषणा की है। और दोस्तों आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किया गया जस्टिस एस सीकरी को नियुक्त किया गया है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म बता दूं, नालसा कार्यकारी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया दोस्तों जस्टिस एस सीकरी को। इससे पहले नालसा के जो कार्यकारी चेयरमैन थे वो थे मदन भीमराव लोकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, हाल ही में किन किन देश ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? दोस्तों इसका आंसर देगा इसराइल और अमेरिका ने हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिए। इसराइल और अमेरिका दो देश है जिन्होंने हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। अब बात कर ले तो यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज इसका आंसर हो जाएगा। इस 7 मिनट लंबी फिल्म का निर्माण निर्देशक तथा पटकथा लेखन का कार्य सत्यम दत्ता ने किया था। वे भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में डिब्रूगढ़ में कार्यरत है। और दोस्तों डिब्रूगढ़ है वो असम में स्थित है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कचरा प्रबंधन पर प्रकाश डाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी उसने एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है, और ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी? ये की गई थी सत्यम दत्ता के द्वारा। और फिल्म का नाम क्या है? ये फिल्म का नाम है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज, फिल्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एशिया देश ने अपनी पहली मैसेजिंग ऐप बिजबर्ड को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में पहली मैसेजिंग ऐप बिजबर्ड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार किसी देश ने अपने खुद की एक ऐप बनाई है। कौन से देश ने बनाई है? तुर्कमेनिस्तान ने। तो एक दर्शक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना तुर्कमेनिस्तान। तो उस ऐप का नाम भी आपको याद कर लेना और देश का नाम भी याद कर लेना। देश का नाम है अपनी पहली मैसेजिंग ऐप बिजबर्ड, किसने लॉन्च किया? तुर्कमेनिस्तान ने लॉन्च किया, याद कर लेना है। और ऐप का नाम क्या है? बिजबर्ड, ये भी याद कर लेना है। बिजबर्ड ऐप बनाइए तुर्कमेनिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दोस्तों इसका आंसर है जेरे बोल्सोनारो को। किसने लिए दोस्तों ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में? वो लिए जेरे बोल्सोनारो ने शपथ ली है। अब बात करें दोस्तों ब्राजील की, आप देख पाएंगे ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जेर बोल्सोनारो, इनका नाम है। अब ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील की जो कंट्री है कैपिटल वो है ब्रासिला। आप क्या करना है? ब्राजील की जो कैपिटल वो है ब्रासिला है, और ब्राजील की जो करेंसी है वो है ब्राजीलियन रियल, ये भी आपको याद होना चाहिए। और आपको ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ब्राज़ील साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ये ब्राज़ील जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है उसके अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं, हाल में किस व्यक्ति को एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी को। या आप जो तस्वीर देख पाएंगे इन्हें हाल ही में एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले जो MD और CEO थे एक्सिस बैंक के वो कौन थी? शिखा शर्मा थी, जिन्हें अब उनका स्थान कैसे ले लिया है? अमिताभ चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पंजाब, इसका आंसर हो जाएगा। तो एकदम दर्शक से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? पंजाब में। ये दोस्तों जो स्थान आयोजित बता देता हूँ, पंजाब स्थित जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। पंजाब में किस जगह हुआ था दोस्तों ये आयोजन? ये हुआ था जालंधर में, जालंधर की लवली जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें आयोजित की गई थी। इसकी थीम भी आपका करनी है, इसकी थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भविष्य का भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 106वीं कांग्रेस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बैंकों के विलय को मंजूरी दी है?
तो दोस्तों इसका अंतर्गत तीन बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। ये भी आपको याद करना है कि कौन कौन से बैंकों के विलय को मंजूरी दी है, वो है दोस्तों इसके अंतर्गत देना बैंक, विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा दोस्तों? देना बैंक, विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जाएगा। तो आपको याद करना है कि बड़ौदा में कौन कौन से बैंक विलय हो गए हैं, देना बैंक और विजय बैंक। और इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा वो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को LIC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नियुक्त किया गया हेमंत भार्गव को। किसको नियुक्त किया गया? हेमंत भार्गव को नियुक्त किया गया है LIC का कार्यवाहक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रमाकांत आचार्य का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट में योगदान के लिए जाने जाते हैं और इन्हें सचिन तेंदुलकर का गुरु भी कहा जाता है। जो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी, वो रमाकांत आचार्य के समक्ष ली थी। रमाकांत आचार्य के समक्ष ली थी उन्होंने क्रिकेट की दीक्षा, जो क्रिकेट की जो शिक्षा ली थी, क्रिकेट इन्होंने खेला था, खेलना सीखा था, वो रमाकांत आचार्य के द्वारा खेला था। इनके निर्देशन में ही इन्होंने क्रिकेट खेला था, क्रिकेट को सीखा था। तो ये सचिन तेंदुलकर गुरु माने जाते थे रमाकांत आचार्य, जिन्हें जिनका हाल ही में निधन हो गया है और एक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं क्रिकेट में। इन्होंने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली को प्रशिक्षित किया था। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ साथ विनोद कांबली को भी प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को आयुध कारखानों के महानिदेशक DGOF और आयुध निर्माण बोर्ड OFB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किया गया सौरभ कुमार को, सौरभ कुमार को नियुक्त किया गया है। OFB की फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कृषक बंधु योजना किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों योजना है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की योजना है कृषि कृषक बंधु योजना। और दोस्तों ये भी हाल ही में एग्जाम में भी पूछी गई थी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और आने वाले शिफ्टों में भी, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है सभी में शेयर कर देना इसको। दोस्तों आगे चलते हैं, कृषि कृषक बंधु योजना किस राज्य की योजना है? यह है पश्चिम बंगाल की। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आगे और भी मोर से बड़े क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सभी गरीब किसानों को हर वर्ष 2 किस्तों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस ब्रेल के जन्मदिवस की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों जो ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ब्रेल लिपि के जो आविष्कार, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, उनके आविष्कार का जन्म है इस दिन, उनका नाम है सर लुईस ब्रेल। इनका जन्म कहाँ होता? फ्रांस में होता। इनकी स्मृति में 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ब्रेल का मतलब आप जानते हो कि ब्रेल क्या होता है? ब्रेल लिपि ऐसी लिपि होती है जिसमें जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो आसानी से स्पर्श करके अक्षरों को पढ़ सकते हैं। वैसे समझ नहीं पाते तो अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं, वो भाषा को समझ जाते हैं हाथों को स्पर्श करके, उन्हें ब्रेल लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पंचतीर्थ को। किसको क्या है? पंचतीर्थ को क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने दोलाई थाबी बेराज परियोजना आरंभ की है? तो दोस्तों इसका आंसर है मणिपुर में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में दोलाई थाबी बेराज परियोजना आरंभ की है? मणिपुर में। तो इसके साथ आपको याद करना है मणिपुर की जो राजधानी है वह इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वो है एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है? तो दोस्तों बन गई है HDFC म्यूचुअल फंड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा बन गई है। आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही कौन बन गई है? वो बन गई है अरुणिमा सिन्हा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट विसन। ये भी आपको याद करना है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विसन है। अरुणिमा कृत्रिम पहल के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। वह किलिमंजारो, दोस्तों वह किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ये भी आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? किलिमंजारो। रूस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एल्ब्रुस।
और इंडोनेशिया की सबसे छोटी कास्टन पिरामिड उस पर आदि पर जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत पहला अपराधी घोषित किया गया है? तो उस पर किया गया विजय माल्या को किया गया है, और ये अभी वर्तमान में कहाँ पर निवास करते हैं? विजय माल्या करते हैं लंदन में, जिन्हें हाल ही में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो 2018 में संशोधित किया गया था उसके तहत पहला भारतीय उसके तहत पहला अपराधी घोषित किया गया है विजय माल्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का और संरक्षित घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छः, छः स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का और संरक्षित घोषित किया है, जिसमें नाम है पहला महाराष्ट्र के नागपुर में 125 वर्ष पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग, दूसरा है ओडिशा के बोलनगर जिले में रानीपुर झालिल में मंदिरों का समूह, तीसरा है आगरा में दो मुगल युग के स्मारक आगा खान और हाथी खान की हवेली, चौथा है राजस्थान के अलवर जिले में नीमराना बावड़ी, पाँचवा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के कोतली में विष्णु मंदिर। तो आगे चलते हैं, पाँच तो ये हो गए 206 के, आपको छः याद करने, एक एक और है बस में, पाँच भी है एक में, एक और था, तो इसमें आपको छः याद करने। वैसे कितने स्मारक कितने महत्व के और सुरक्षित स्मारक घोषित किए गए? छः, तो आपका आंसर में छः करके आने, तो छः हो गए दोस्तों आपके। दोस्तों पहले बताऊँ, छः हो गए, कन्फ्यूजन हो गई थी, 206 हो गए दोस्तों। देख लो, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट बिल्डिंग पहला ही, ओडिशा के बोलीनगर जिले में रानीपुर झालिल में मंदिरों का समूह दूसरा, और आगरा में दो गए, एक आगा खान और हाथी हवेली चार, और राजस्थान के जिले में नीमराना बावड़ी पाँचवा, और उत्तराखंड में पिथौरा जिले के कोतली में विष्णु मंदिर छः, तो आपके छः स्मारक घोषित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान सिंगापुर के 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ABC रैंकिंग में भारत के 21वें राज्य की अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो दोस्तों ये रहा है आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा है। तो आपसे पूछा जाए, 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ABC रैंकिंग में भारत के 21 राज्यों की अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य आया है? वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पिनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सॉरी, किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे चलते हैं, 80वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों किया गया ओडिशा के कटक में आयोजित किया गया, 80वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये किया गया दोस्तों ओडिशा में, ओडिशा में कौन से स्थान पर किया गया? दोस्तों कटक के ओडिशा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ से दोस्तों? ओडिशा के कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है, यह किस क्रम का विश्व पुस्तक मेला है? तो दोस्तों यह 27वां क्रम का, तो आप याद करना है कौन से क्रम का है? 27वें क्रम का है पुस्तक मेला है, इसका विषय था दोस्तों रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, और आपसे थीम पूछे इस वर्ष 27वें जो क्रम का जो विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया नई दिल्ली में उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है दोस्तों रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंग्रेजी और ओडिशा लेखक को बेरहमपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित साहित्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो किया गया है मनोज दास को, किसको किया है दोस्तों? मनोज दास को किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने किस मनोचिकित्सक की अध्यक्षता में जवाहरलाल जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मुद्दों की जांच के लिए कार्यबल की स्थापना की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र नागपाल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति ने उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छबिलेंद्र राहुल ने, किसने किया है दोस्तों? छबिलेंद्र राहुल ने किया है, भारत सरकार के उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव पद का कार्यभार संभाला है छबिलेंद्र राहुल ने। इससे पहले श्रीमती भारतीय सियाग इस पद पर कार्यरत थी, लेकिन अब वर्तमान में कौन हो गए हैं? छबिलेंद्र राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एक एकीकृत मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन KBL मोबाइल प्लस लॉन्च किया है? दोस्तों क्या है? कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने। तो दोस्तों इसका आंसर देगा कर्नाटक बैंक लिमिटेड, कौन सी बैंक ने किया है? कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने किया है एकीकृत मोबाइल बैंक एप्लीकेशन KBL मोबाइल प्लस। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है SSB, किसे किया गया? दोस्तों कुमार राजेंद्र चंद्रा को किया गया, कुमार राजेश चंद्रा को, जो आप तस्वीर में दे पाएंगे, इन्हीं हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB बोला जाता है इनको, उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों जो सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक थे वो थे AS देसवाल थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन बन गए? कुमार राजेश चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की पहली महिला
मुख्य साथी के तौर पर पदभार संभाला है। दोस्तों इसका आंसर गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पदभार संभाला है। तो दोस्तों इसका आंसर गीता गोपीनाथ। जब तक देख पा रहे गीता गोपीनाथ ने जिसने पहली बार महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पदभार संभाला है और वह 11वीं चीफ इकोनॉमिस्ट बन गई है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में चाबहार बंदरगाह के परिचालन का दायित्व संभाल लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ईरान। तो दोस्तों जो चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सम्मेलन 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंबई में आयोजित किया गया। तो ग्लोबल एविएशन सम्मेलन 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई में, और इसकी थीम क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अभिनेता ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामी मालिक, रामी मालिक इसका आंसर हो जाएगा, जिन्हें बोहेमियन रेप्सोडी के लिए पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं, इसमें बताता हूँ आगे मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों जीता है ग्लेन क्लोज ने जीता है द वाइफ के लिए। बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है वो मिला बोहेमियन रेप्सोडी को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों अल्फोंसो करन को, विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? दूसरा संस्करण जगह पुणे में आयोजित किया गया है, और इस खेल की थीम थी 5 मिनट और, इस खेल की थीम थी। तो आपको बता दें खेल इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण का आयोजित किया गया तो किया गया मुंबई, ये किया गया दोस्तों पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे वो महाराष्ट्र ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाले विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? वो है 124वां संविधान संशोधन। तो आपसे पूछा जाए कि 10% आरक्षण जो दिया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन करके किया गया है? वो किया गया 124वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्टार के किस पूर्व CEO ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और MD का कार्यभार संभाल लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अजीत मोहन ने, किसने संभाल लिया? अजीत मोहन ने। दोस्तों इससे पहले ये हॉटस्टार के पूर्व CEO थे लेकिन अब ये फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और MD के कार्यभार संभाल लिया है, तो इसका आंसर दोस्तों अजीत मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ईरान के किस बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी है? दोस्तों इसका आंसर होगा पर्सकट बैंक को, दोस्तों ईरान का बैंक ही है पर्सकट बैंक, जिसका नाम है पर्सकट बैंक, इसे हाल ही में RBI के द्वारा मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति मिल गई है। इसी के साथ ही भारत का यूको बैंक ईरान में एक शाखा खोलेगा, यूके बैंक के भारत को भी ईरान में एक शाखा खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉलर को अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों किस फुटबॉलर ने अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों जीता है मोहम्मद सालह ने जीता है, ये मोहम्मद सालह जिन्हें हाल ही में अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डिस्प्ले माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर दोस्तों मलाला यूसुफजई, आप देख पाएंगे ये मलाला यूसुफजई है, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने 2014 के अंदर इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ इन्हें भी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर उज्बेकिस्तान में किया गया है, और कौन से स्थान पर किया गया? दोस्तों उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अब बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, ईटानगर आपको याद कर लेनी है कैपिटल है, और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो है पेमा खांडू है। दोस्तों ये जो पुल बनाया गया है ये अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो ये पुल बनाया गया कौन सी नदी बनाया गया है? सियांग नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर MC मेरी कॉम ने प्राप्त किया है। मेरी कॉम ने 48 किलोग्राम वजन में 1700 अंक लेकर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। तो आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय मुक्केबाज ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? वो है MC मेरी कॉम, और इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीत चुकी है, 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली एक महिला बन गई है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2019 में भारत के स्थान पर है, तो दोस्तों इसका आंसर 79 स्थान पर, 79 स्थान पर। तो आप क्या कहने लगे कि जो हेनले के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक कौन सी थी, वो भारत की रैंक थी 79। तो आपको इसके अलावा ये भी याद करने की फर्स्ट रैंक किसकी थी, फर्स्ट रैंक थी चीन की, फर्स्ट रैंक थी जापान की, और 69 रैंक थी चीन की और भारत की 79। तो आपको तीनों याद कर लेने की फर्स्ट रैंक किसकी थी, तो जापान की थी और चीन की थी 69 और भारत की थी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निकोलस मादुरो ने 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा वेनेजुएला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों इसका आपको याद करने के वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो है निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन नामित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र प्रसाद बेसे को। तो वीरेंद्र प्रसाद बेसे को सेफ डे मिशन नामित किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2020 में कहाँ आयोजित होगा, ये जापान के राजधानी टोक्यो में होगा, आपको नाम से पता चल रहा होगा टोक्यो ओलंपिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो किया जाएगा टोक्यो में। वीरेंद्र प्रसाद बेसे वर्तमान में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है, तो दोस्तों जो वीरेंद्र प्रसाद बेसे है वो वर्तमान में जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सभी स्थानों पर। दोस्तों जहाँ पर 3 स्थान पर 3 एम्स बनेंगे, एक बनेगा जम्मू के विजयनगर में, एक बनेगा कश्मीर के पुलवामा के वंतीपुर में, और एक बनेगा गुजरात के राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शरद कमल ने किस खिलाड़ी को हराकर 9वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है, तो दोस्तों इसका आंसर जी सात्यान, जी सात्यान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्चना कामत ने किस खिलाड़ी को हराकर राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2019 में महिला वर्ग का खिताब जीता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऋतिविका सिन्हा राय, ऋतिविका सिन्हा राय को हराकर हाल ही में अर्चना कामत ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2019 का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एल बी मोर्केल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी थे, तो दोस्तों ये होते दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे एल बी मोर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में भारत किस स्थान पर है, तो दोस्तों इसका आंसर जगह 42वें स्थान पर है। तो आपका अगला कि भारत की रैंक कौन सी थी, 42वीं EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और उसके साथ आपका कहने की फर्स्ट रैंक किसकी थी, तो फर्स्ट रैंक थी नॉर्वे की, दूसरी रैंक थी आइसलैंड की, और तीसरी रैंक थी स्वीडन की, और भारत की कौन सी थी, 42वीं EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भारत की 42वीं रैंक थी। फर्स्ट रैंक थी आपकी नॉर्वे की, दूसरी थी आइसलैंड की, और तीसरी थी स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सू त्सेंग चेंग, तो सत्येंग चेंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाया आपके लिए। आज चलते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों किया गया आदि गोदरेज को सम्मानित किया गया है। वापस रिपीट कर देते हैं एक बार, हाल ही में किस व्यक्ति को द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो किया गया आदि गोदरेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की 4वीं बैठक की अध्यक्षता की है, दोस्तों की गई है नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन द्वारा किस स्थिति तक गगनयान मानव मिशन को लॉन्च करने की योजना की है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और आपको यह भी याद करना कि जो इसरो है भारत का अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, वो है डॉक्टर के सिवन, जिन्होंने 2021 तक गगनयान मानव मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम 2019 के सबसे युवा गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभिनव साव, अभिनव साव इसका आंसर हो जाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे ये खेलो इंडिया गेम के सबसे युवा गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। अभिनव साहब पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाले हैं, आसनसोल के रहने वाले हैं, इनकी उम्र वर्तमान में केवल 10 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL 2018-19 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों ये जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को फाइनल में 4-3 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा कलाकुरुचि को अपना 33वां जिला बनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों इसका जगह तमिलनाडु। तेजम की दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल में किस राज्य ने कलाकुरुचि को अपना 33वां जिला बनाने की घोषणा की है, वो है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह 2019 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, दोस्तों जो अभी हाल ही में जनवरी 2019 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो दोस्तों हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, तो इसका आंसर कौन सा था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। और अब बात कर लेते हैं इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे,
तो आप क्या करेंगे, कौन से देश के राष्ट्रपति थे अफ्रीका के थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सिरिल रामफोसा। आगे चलते हैं, वर्ष 2019 में किस कर्म का गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों मनाया गया था 70वें कर्म का। तो आपका करना है 70 कर्म का गणतंत्र दिवस मनाया गया था इस साल, जो जनवरी 2019 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो कौन से कर्म का था? 70वें कर्म का गणतंत्र दिवस था। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जो 70वें कर्म का गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भारत के उसमें मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो होते दोस्तों अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड करने वाली 144 पुरुषों की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व असम राइफल के किस महिला अफसर ने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी के द्वारा किया गया। ये भी एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गौरतलब है कि लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी पहली ऐसी महिला अफसर बन गई है जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड करने वाली किसी भी पुरुष सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया है। तो आपका याद कर लेना लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आर्मी की डेयर डेविस टीम बाइकर्स टीम के साथ स्टंट करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? दोस्तों बन गई है कैप्टन शिखा सुरभि। ये भी आपको याद कर लेनी है कि 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आर्मी की डेयर डेविल्स टीम बाइकर्स टीम के साथ स्टंट करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो बन गई कैप्टन शिखा सुरभि। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 व्यक्तियों को हाल ही में 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इन तीन के नाम है दोस्तों, पहला नाम है प्रणब मुखर्जी, दूसरा नाम है नानाजी देशमुख और तीसरा नाम है भूपेन हजारिका। तो अब बात कर ले दोस्तों तीन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। थोड़ी डिटेल बता देता हूँ भारत रत्न के बारे में। दोस्तों भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी। और सर्वप्रथम तीन व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया था 1954 में। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तीन व्यक्तियों को, और उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। नाम बता देता हूँ, पहला नाम है दोस्तों राजगोपालचारी। आप जानते हो कि राजगोपालचारी थे जिन्हें सर्वप्रथम तीन व्यक्तियों को प्राप्त किया गया था 1954 में। पहला नाम है राजगोपालचारी जिन्हें सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और तीसरा नाम है डॉक्टर सी वी रमन, डॉक्टर सी वी रमन जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर सी वी रमन। तीन व्यक्तियों को 1954 में नोबेल पुरस्कार 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला है डॉक्टर राजगोपालचारी, दूसरा है डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और तीसरा है डॉक्टर सी वी रमन। दोस्तों अभी तक टोटल 48% को एग्जाम पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों इसका आंसर 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो तीन और ऐड हो गए, इससे पहले 45 व्यक्ति थे लेकिन अब 48 हो गए हैं टोटल। प्रणब मुखर्जी की बात करें दोस्तों, प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ये थे 13वें क्रम के। अब वर्तमान में कौन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति? वह है रामनाथ कोविंद है, जो 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अब बात कर लेते हैं नानाजी देशमुख की। दोस्तों नानाजी देशमुख, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, और इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल कार्यकर्ता है, इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाता है, और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं नानाजी देशमुख। और इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया नानाजी देशमुख में, इसलिए इन्हें भारत से सम्मानित किया गया है। और भूपेन हजारिका की बात करें दोस्तों, भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। एकदम पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो इनका संबंध है असम राज्य से, भूपेन हजारिका का। और ये एक ये एक सिंगर, गायक और फिल्म निर्माता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक गायक है, एक सिंगर है, एक गायक है, एक फिल्म निर्माता है, कवि भी है। तो ये आपका कर लेना, इनका संबंध असम से है। और दोस्तों नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका दोनों को ही मृत्यु उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मृत्यु उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोथीमस। दोस्तों मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस जरूर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो मैंने आपको जनवरी 2019 में करंट अफेयर करा दिए पूरे।
जनवरी 2019 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इससे जनवरी 2019 में इससे बाहर कोई भी करंट अफेयर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसी में से आपके करंट अफेयर मिलेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह वापस पढ़ लेना दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देने लगा सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।